हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास पे। मेरा नाम है स्वाति एंड आ गई है हमारी क्वेश्चन एक्सप्रेस। ये थोड़ा ना इसको ऐसा रेलवे के फॉर्म में मैं बोलती हूँ, भाई क्वेश्चन एक्सप्रेस आ गई है एट द स्टेशन ऑफ अनअकैडमी। सॉरी, आई एम वेरी बैड एट, नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। चलिए सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, डिपेंडिंग अपॉन आप कब ये वीडियो देख रहे हैं। सो हमारा एक बहुत सारी सीरीज आप लोगों के लिए शुरू करी है, उसमें से ही एक सीरीज है हमारी क्वेश्चन एक्सप्रेस। क्वेश्चन एक्सप्रेस में क्या होगा, हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज जिस पर्टिकुलर टॉपिक के हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज नॉट, सो दैट इज नन अदर देन हमारा पीएच। बट पीएच के क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही बढ़िया निमोनिक बताऊंगी, जिससे आपकी ज़िंदगी और थोड़ी अच्छी सी और थोड़ी कलरफुल और थोड़ी महक जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी हो रही थी टू रिमेम्बर कि भाई कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस वीक है। तो मैं आप सभी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट निमोनिक लेकर आई हूँ टू हेल्प यू पीपल गेट थ्रू द कन्फ्यूजन, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा हाइप कर लिया है, अब हाइप किया है तो फिर उसी के हिसाब से आपके एक्सपेक्टेशंस पे भी लैंड करना पड़ेगा हमें। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी भी प्रकार की देरी के। अगर किसी स्टूडेंट को बीच क्लास में कोई डाउट है तो देखो, आप पूछोगे भी तो मुझे नहीं पता चलेगा। लाइव चैट में मत लिखना अपना डाउट, कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि लाइव चैट कभी कभार ही गायब हो जाती है, तो रिस्क क्यों ही लेना, है ना। तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप अपना डाउट। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हुए और आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं फिर अपनी आज की क्लास लेकर स्वाति मैडम का नाम। बट उससे पहले फटाफट से एक बारी नमोनिक देख लीजिएगा आप। बहुत ज्यादा ना कंट्रोवर्सी होती है रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद मैं इस लिस्ट पर पहुंची हूँ, और ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लिस्ट कुछ इस प्रकार है। लिया नहीं केक कसम दो मुझे। आज ना मेरे पड़ोस में एक बच्चा है यूवी, जिसका ना बर्थडे था, तो ना उसके घर पे हो गई एक लड़ाई। उसके बहन भाई बोलते कि मुझे केक नहीं मिला, दूसरा भाई बोलता मुझे केक नहीं मिला, तीसरी बहन बोलती मुझे केक नहीं मिला। तो यूवी बोले कि यार मुझे भी केक नहीं मिला, मेरा ही बर्थडे, मुझे ही नहीं केक मिला। तो यूवी ने फिर सबको बोला, खाओ मेरी कसम कि तुमने मेरा केक नहीं लिया है। तो ये वही वाली बात है कि लिया नहीं केक कसम दो मुझे, कसम लेनी पड़ रही है भैया केक को बचाने के लिए। तो लिया का जो Li है, दैट स्टैंड्स फॉर लिथियम हाइड्रोक्साइड, सो दिस इज गोइंग टू बी LiOH फोर ट्वाइस लिथियम हाइड्रोक्साइड। Na इज गोइंग टू बी, सॉरी 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 सॉरी, नॉट OH फोर ट्वाइस, जस्ट LiOH, नॉट OH फोर ट्वाइस, जस्ट LiOH, LiOH। एक सेकेंड, हम इसको रेज कर देते हैं, LiOH होगा बेटा, लिख लीजिएगा इसको, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। हैंड राइटिंग जब टेढ़ी हो तो फोकस हो ही नहीं पाता है, बिल्कुल सीधा बैठना पड़ता है। चलिए तो इधर लिख देते हैं हम LiOH, एंड देन वी विल राइट NaOH, देन CaOH होल ट्वाइस, देन KOH, एंड देन MgOH होल ट्वाइस। LiOH, NaOH विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और देखो, ये मेरा खुद का बनाया गया निमोनिक है, तो अगर कल को आप कहीं पर देख ले ऐसा ही निमोनिक, तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं मान लूंगी कि मैं बहुत ज्यादा फेमस हो गई हूँ। मैं केस कूज नहीं करूंगी किसी के ऊपर कि मेरा निमोनिक ऐसे चुरा दिया। अच्छा, चुराओ, बिल्कुल चुराओ, पता तो चलेगा कि लोग वीडियो देख रहे हैं। और ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। अब बेटा बहुत सारी किताबों में ना CaOH होल ट्वाइस और MgOH होल ट्वाइस का मेंशन नहीं है स्ट्रॉन्ग बेसिस में। जो लखमीर सिंह है हमारी, उसमें शायद CaOH होल ट्वाइस एंड MgOH होल ट्वाइस को तो वीक बेस लिख भी रखा है, मुझे नहीं पता न्यू एडिशंस में है या नहीं। ओल्ड एडिशंस में तो मैंने देखा था NaOH और KOH तो हर जगह है, NaOH और KOH का तो सबको पता है, बट CaOH होल ट्वाइस एंड MgOH होल ट्वाइस भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो कृपया करके इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिया नहीं के कसम दो मुझे। 1 मिनट का समय दे रही हूं मैं आप सभी को, कसम तो मैं दे नहीं सकती, ठीक
ठीक है, पर मैं 1 मिनट का समय दे रही हूं ताकि आप ये सारी चीजें टेप ले अच्छे से। डन, लिख लिया आप सभी ने। चलिए तो फिर बिना किसी देरी के, बिना किसी दिक्कत के देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। सबसे पहला सवाल देखना है ना अपने को। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर वन। सो क्वेश्चन नंबर वन कुछ इस तरीके से है। हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ए और बी। ए की पीएच वैल्यू है 3 और बी की पीएच वैल्यू है 10.5। तो अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देगा। आई हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी जिनकी पीएच वैल्यू है 3 और 10.5। इनमें से कौन सा ब्लू लिटमस को रेड करेगा एंड फेनोप्थलीन को कलरलेस से पिंक करेगा। तो सबसे पहले हम अपने आंसर पर कूदे। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, ए और बी के आगे उनका पीएच लिखो। पेन तो बेटा चलाना ही चलाना पड़ेगा, हवा में तो बस हवाबाजियां होती हैं, पढ़ाई नहीं होती है। तो ए का पीएच कितना है 3, बी का पीएच कितना है 10.5। ठीक है, सो इनमें से कौन सा ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करेगा। अब सोचो ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है। आपको एक नमोनिक बताया था, रे बा ब्लू। रेड लिटमस को बेस करता है ब्लू, तो ब्लू लिटमस को एसिड करेगा इनटू रेड, यानी कि इन दोनों में से जो चीज एसिडिक होगी वो ब्लू लिटमस को रेड करेगा। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी ए। फेनोप्थलीन को कलरलेस से पिंक कौन करता है। देखिए फेनोप्थलीन आपका जब नेचुरल होता है, मतलब जब अपने न्यूट्रल फॉर्म में होता है, तो वो कलरलेस होता है। जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो तब भी कलरलेस ही रहता है, पर जब वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो पिंक हो जाता है। तो पिंक कलर कब आता है हमारे फिनोप्थिलीन का, व्हेन इट इज प्रेजेंट विद अ बेस। तो योर बेस कौन सा है, बी। सो योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी। जस्टिफिकेशन आप खुद दे ही सकते हैं, क्लास में लेट आने की भी तो जस्टिफिकेशन देने में माहिर है, तो इसकी भी जस्टिफिकेशन दे ही देंगे कि भाई जिसका पीएच ए है, दैट इज मतलब जिसका ए वाले का जो पीएच है दैट इज एसिडिक पीएच, एंड ब्लू लिटमस को रेड एक एसिड ही करता है, इसीलिए द करेक्ट आंसर इज ए एंड द सिमिलर थिंग यू विल राइट विद बी। ओके चले। ओके, पीएच ऑफ सॉइल ए इज 7.5 वाइल दैट ऑफ बी इज 4.5। विच ऑफ द टू सॉइल ए और बी शुड बी ट्रीटेड विद पाउडर्ड चॉक टू एडजस्ट द पीएच एंड वाई। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीबीएसई का 2016 का सवाल है। तो क्या लगता है आपको, यार एक सॉइल है मेरे पास ए, ठीक है, उसका पीएच है 7.5। एक सॉइल है मेरे पास बी जिसका पीएच है 4.5। जिसका पीएच ए है उसका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर होगा या बेसिक नेचर होगा, क्या नेचर होगा। ऑफ कोर्स हल्का सा बेसिक नेचर होगा, 7 होता है न्यूट्रल, 7 से ऊपर होता है बेसिक, 4.5 होगा आपका एसिडिक। क्लियर। अब उन्होंने बोला है कि ए और बी में से मैं किस केस में पाउडर्ड चॉक का इस्तेमाल करूं। पाउडर्ड चॉक क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि चॉक जिससे हम लिखते हैं, चॉक उसमें क्या मौजूद रहता है, चॉक हो गया, लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, अंडे का छिलका हो गया, उन सब में प्रेजेंट रहता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्या है, क्या है कैल्शियम, अरे जोर से बोलो मैम, मेटल। कैल्शियम है मेरा मेटल। मेटल के कार्बोनेट का नेचर क्या होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल कार्बोनेट, मैम बेसिक। तो मैं सॉइल को किसी बेसिक चीज से कब ट्रीट करूंगी, मैं सॉइल को किसी बेसिक चीज से कब ट्रीट करूंगी, कब, जब सॉइल मेरा एसिडिक होगा।
सॉइल बेसिक है, और बेसिक के ऊपर ही मैं बेस डाल दूं, मान के चलो कहीं पे आग लग रही है, उसमें तुम घी डालोगे, पानी डालोगे या रेत डालोगे, जाहिर सी बात है उसको बुझाने वाली चीज डालेंगे ना हम। तो अगर मैं चौक डाल रही हूँ, मैं कोई बेसिक चीज डाल रही हूँ, तो मैं क्यों डाल रही हूँ? क्योंकि मुझे एसिड को कम करना है। तो यहाँ पर मैं बी वाले सॉइल में डालूंगी क्या मेरा चौक, क्यों? क्योंकि वो है एसिडिक। बस मिनटों में हो रहे हैं ये सवाल हमसे, मिनटों में। एक्सप्रेस ही है ये तो बेटा, बिल्कुल मिनटों में सवाल निकाल रहे हैं हम। आपको बस एक मेथड फॉलो करना है। बहुत से बच्चे ना एकदम से ना जल्दी से आंसर पे कूदना चाहते हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स टू रश इन देयर लाइफ, ठीक है? अब आप सोचोगे कि एक्सप्रेस के बीच में लेक्चर कहाँ से आ रहा है भाई। मेट्रो में भी बीच बीच में अनाउंसमेंट आती है ना कि सवारी कृपया, यात्री कृपया अपने सामान का ध्यान रखे, है ना? वो हमें सतर्क करने के लिए आता है, तो मैं भी आपको सतर्क करने के लिए बीच बीच में ज्ञान दे रही हूँ। डायरेक्टली आंसर के ऊपर जंप नहीं करना है, हवा में कितना ही कर लो, ए है 7.5, ए 7.5, मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है, मैं तब कर पाती हूँ हवा में, और तब भी मैं फिर कई बार तुम लोगों को गलत भी जवाब दे देती हूँ, क्योंकि जिनको हाथ चलाने की आदत है वो हाथ चलाएंगे। हाथ चलाओ, किसने रोका है हाथ चलाने से? पेन दिया है ना तुम्हें, द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन एनी बडी कैन हैव इज अ पेन। और स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन का ये नहीं मतलब किसी की आंख में जाके मार दोगे, कि हमारी मैम ने कहा था स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है, आंख में नहीं मारना है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। क्योंकि मतलब चाहे 5 रुपए का पेन ही क्यों ना हो बेटा, प्रधानमंत्री के पास 5 रुपए का पेन भी होगा, और अगर उसने किसी रूल के ऊपर साइन कर दिया तो उस 5 रुपए के पेन की भी इतनी वैल्यू हो जाएगी कि बड़े बड़े तुम्हारे जो भी ये ट्राइमैक्स पायलट पुलट जो होते हैं इनकी नहीं रहेगी, मुझे महंगे पेन का नाम नहीं पता, इनकी नहीं रहेगी। सो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन दैट यू पीपल हैव, यूज करो इसको, चलाओ। जितना भी तुम पढ़ रहे हो, जितनी भी जो भी चीजें हम आज हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द पेन दैट वी होल्ड, पेन द माइटी स्वॉर्ड, यही बोला जाता है इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब इन्होंने बोला है कि वापस से पेन चलाना है बेटा, यहाँ पे सवाल में लिख दिया पेन चलाओ, तो मेरे पास दो सोल्यूशन है ए और बी। द पीएच ऑफ सोल्यूशन ए इज 6, द पीएच ऑफ सोल्यूशन बी इज 8, विच सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, विच वन ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक, ठीक है? चलिए सो इधर मैं लिख देती हूँ, मेरे पास दो सोल्यूशन है, ए है मेरे पास, बी है मेरे पास। ए है मेरा pH 6, बी है मेरा pH 8, ठीक है? तो सबसे पहले एक बार ये देख ले कि इनमें से एसिडिक और बेसिक कौन सा है, चीजें शायद हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाए। ए का pH है 6, बी का pH है 8, कौन सी चीज एसिडिक होती है, जिनका pH कम होता है या जिनका pH ज्यादा होता है? मैम जिनका pH कम होता है तो ये हो जाएगा एसिडिक, और ये वाला हो जाएगा आपका बेसिक, ठीक है? दिस इज योर एसिडिक, दिस इज योर बेसिक। अब इन्होंने बोला है कि किस सोल्यूशन में मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन होगा, विच सोल्यूशन विल हैव ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो ज्यादा हाइड्रोजन किस में होता है, एसिडिक चीजों में होता है या बेसिक चीजों में होता है? आपकी सूझबूझ और समझ क्या कहती है? अब तक ऐसा तो है नहीं, एक भी लेक्चर आपने शायद कभी अटेंड ना किया हो, या एक बार ये भी चीजें आपने की ना हो, है जी? बताइए बताइए ना, कि मतलब ऐसा तो होगा ना कि एक बारी तो मैम हमने पढ़ा होगा, मैम हमें पता है इसका क्या आंसर है, इसको कैसे करना है, ये सारी चीजें हमें पता होगी। तो बताओ किसमें ज्यादा होता है हाइड्रोजन आयन? मैम एसिड में होता है मैम हाइड्रोजन आयन ज्यादा। सो किस सोल्यूशन में होगा हाइड्रोजन आयन? ए में होगा। विच वन इज एसिडिक? ए होगा। विच वन इज बेसिक? बी होगा। सॉर्टेड आ गया समझ में अपने को? हाँ कुछ मुश्किल नहीं एकदम से, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड तो नहीं होगा कि ओ माय गॉड कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, माय गॉड ये तो क्रेजी हो गया। क्रेजी नहीं होता ऐसे, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है तब जाके आती है इतनी समझ। आई बात समझ में? चलो अगला सवाल देखते हैं। एक स्टूडेंट है जिसने डेडिकेट किया, जिसने डिटेक्ट किया पीएच ऑफ 4 अननोन सॉल्यूशन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 11 5 7 2, प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर मैं आंसर ही लिया, गैल उगैल,
भाई 11 वाला बेसिक है, 5 वाला एसिडिक है, 7 वाला न्यूट्रल है, 2 वाला स्ट्रॉन्गली एसिडिक है। केवल एसिडिक से काम नहीं चलेगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक लिखना होगा। ये किस्मत अच्छी थी आप सभी लोगों की कि इसमें मैं वो ले आई, आंसर ले आई, बाकियों में नहीं होगा ऐसा। देखो आपके पास दो सोल्यूशन है बेटा, जिसमें एक का अच्छा ये फेनोप्थेलिन कलर लिस्ट कुकिंग दिस तो वी हैव ऑलरेडी डन। या ओके, दो ड्रिंक्स है हमारे पास। दो ड्रिंक्स पी एंड क्यू गिव एसिडिक एंड अल्कलाइन रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब पी वाले ने दिया एसिडिक, क्यू वाले ने दिया अल्कलाइन। अच्छा जस्ट इन केस कोई स्टूडेंट अभी तक कंफ्यूज्ड है कि अल्कलाइन और बेसिक अलग होते हैं क्या होता है, बेटा एल्कली इज अ टाइप ऑफ बेस ओनली। एल्कली क्या होते हैं, वो बेस जो पानी में जाके OH- रिलीज कर देते हैं। एल्कली ऐसी कोई नई चीज नहीं है, ऐसी कोई तिलस्मयी चीज नहीं है। एल्कली सिर्फ वो बेस होते हैं जो पानी में जाके OH- रिलीज कर देते हैं। वन हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ 9 एंड अदर हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ 3, विच ड्रिंक हैज द पीएच वैल्यू ऑफ 9। बहुत ही आसान है, जो जो गिवन है सीधा लिखो, आंसर आ जाएगा। पी है आपका एसिडिक, क्यू है आपका बेसिक, ठीक है। अब इसमें से एक की पीएच की वैल्यू है 9, एक की है 3। क्या लगता है आपको किसकी वैल्यू होगी? 3 एसिडिक वाले की होगी, 3 होगी यहाँ पे, यहाँ पे 9 आ जाएगी। सो विच ड्रिंक हैज दी पीएच वैल्यू ऑफ 9? क्यू या क्यों? क्यों वाले की होगी, क्यों? अगला देखते हैं। एक है pH 4, एक का है pH 8। विच सोल्यूशन विल गिव एल्कलाइन रिएक्शन एंड विच वन इज एसिडिक? मतलब मुझे तो इसमें देखो बिल्कुल ही पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बट सिंस मैं आप लोगों को आज ज्ञान दे रही हूं तो मैं बिल्कुल उस ज्ञान को फॉलो करूंगी। पीएच इज इक्वल टू 8 है, जिसका पीएच कम होता है वो एसिडिक होता है। तो ये हो जाएगा आपका एसिडिक और ये हो जाएगा आपका बेसिक। देखो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरे मनगढ़ंत कोई भी नहीं है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बना के लाई हूँ, सारे प्रीवियस ईयर है आपके। द सोल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब मैं इसका निमोनिक बता ही नहीं रही, मैंने कम से कम 10,000 करोड़ बारी आपको ये समझा दिया है ऑलरेडी। 10,000 करोड़ बारी हम ये ऑलरेडी समझ चुके हैं, अब आप खुद अपनी सूझबूझ और समझ से हमें बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लगाओ 1 मिनट, ली 1 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, 30 सेकेंड्स देती हूँ आप सभी को, और सोचना है इस चीज को। लिखो रे बबलू लिखो, हिंट भी दे दिया है, टाइम शुरू होता है आपका अब। चलिए तो मुझे लगता है अब तक हो गया होगा। हम लोग जब इंडिकेटर्स पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज लिखी थी, रे बा ब्लू, रे बा ब्लू विच इज रेड लिटमस बेस की प्रेजेंस में ब्लू कलर दे देता है। रेड लिटमस बेस की प्रेजेंस में ब्लू कलर दे देता है, तो बेस इनमें से कौन सा होगा? जो 1 है दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गली एसिडिक, 4th इज गोइंग टू बी व्हाट? एसिडिक। 5 इज आल्सो गोइंग टू बी एसिडिक। 10 इज दी ओनली ऑप्शन ना विच इज गोइंग टू बी बेसिक, सो दिस इज ओनली गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर ना। यस दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ओके, अ सोल्यूशन टर्न्स फिनोप्थिलीन इंडिकेटर पिंक। ये क्वेश्चंस करने के बाद ना आपका इंडिकेटर का भी पार्ट पूरा हो जाएगा और आपका पीएच वाला पार्ट भी पूरा हो जाएगा, सो यू पीपल वोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग।
सो नाउ योर इंडिकेटर वाला पार्ट इज ऑल्सो गेटिंग रिवाइज एंड योर पीएच वाला पार्ट इज ऑल्सो गेटिंग रिवाइज. योर यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला पार्ट विल बी रिवाइज इन योर नेक्स्ट अपकमिंग क्लास. सो बाई दीज टू क्लासेस दी एंटायर नॉट दी एंटायर बट दी सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर विल बी कवर्ड. ठीक है, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ. थर्ड हाफ इज योर सॉल्ट. सॉल्ट में आई हैव ऑलरेडी कवर्ड क्लोर एल्केली प्रोसेस, गो वॉच दैट. ठीक है, आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दी रिमेनिंग सॉल्ट ऑल्सो बिकॉज क्लोर एल्केली ही सबसे ज्यादा बड़ा था, बाकी ब्लीचिंग पाउडर एंड ऑल दे आर वेरी स्मॉल. आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट. सो स्लोली स्लोली वील कीप ऑन कवरिंग एवरी टॉपिक एंड देन वी विल डू द वन शॉट वीडियोज ऑल्सो. इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वन शॉट नहीं करवाऊंगी या मैं दोबारा प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी. दिस इज जस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको अभी अपने प्री बोर्ड्स के टाइम पे नहीं पढ़ने का, उनको सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं. सो हेयर आर दी क्वेश्चंस फॉर यू. ओके, सो फेनोप्थेलीन इंडिकेटर को पिंक किया है. द मोस्ट लाइकली पीएच ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी. फेनोप्थेलीन इंडिकेटर पिंक कब होता है बेटा आपका? फेनोप्थेलीन इंडिकेटर टर्न्स पिंक जब भी हमारे पास एक बेसिक पीएच होता है मैम. ठीक है, इट हैज टू बी बेसिक. और दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन इज नाइन्थ बिकॉज दिस इज एसिडिक, दिस इज एसिडिक एंड दिस इज न्यूट्रल. योर करेक्ट आंसर इज सी. ओके चलिए, सो वट एवर मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आ रहा है ना समझ में? ऐसे तो नहीं है ना कि बस ठीक है मौज काट रहे हैं मैम, आ गए क्लास में, खुल के बैठ गए बस क्लास की. हाँ ठीक है, समझ में आएगा आएगा, जो होगा सो होगा, जो नहीं होगा सो देखी जाएगी. ये ऐसे धक्का वार काम नहीं चलाना है क्लास पे, कभी भी धक्का मार काम नहीं चलाना है. ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही, कोई भी डिफिकल्टी आ रहा है, आओ हमारे पास, करेंगे हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व, करेंगे आपके दुखों का निवारण. पर इस तरीके से चीजें आपकी नहीं चलनी चाहिए. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबडी? अब मुझे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उन्हें सॉल्ट का एक पार्ट रिवाइज करना है, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले जो सॉल्ट वाला पार्ट होता है उन्हें वो रिवाइज करना है. तो मैं आप लोगों के लिए ना एक टेबल ले आई हूँ बिकॉज दैट वॉज दी बेस्ट वे टू डू इट. ऑल दो हमने वो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है, बट मैं आपके लिए वो एक टेबल लेके आई हूँ. जस्ट गो थ्रू दैट टेबल वंस. ये टेबल, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट मुझे देखना था तो मेरे पीछे छुप तो नहीं रहा है ना कुछ? नहीं. हाँ नहीं, बढ़िया है बढ़िया है. जस्ट गो थ्रू दिस टेबल वंस. इस टेबल में यही गिवन है कि भाई क्या होगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जाम्पल भी गिवन है, जैसे H2SO4 और NaOH मिले तो हमेशा आपको एक न्यूट्रल सोल्यूशन मिलेगा जिसका pH 7 होगा. न्यूट्रल सोल्यूशन या न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा. क्यों? कहते हैं ना कि लोहा ही लोहे को काटता है, तो उसी तरीके से एसिड ही बेस को काटता है, बेस ही एसिड को काटता है. ओके, अगर मैंने लिया बेटा एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया HCl विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4H अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ वीक बेस, तो मुझे मिलेगा एक एसिडिक सोल्यूशन. जो चीज स्ट्रॉन्ग है उस जैसा ही तो मुझे सोल्यूशन मिलेगा. द स्ट्रॉन्गर द चीज द मतलब द मोर नेचर है उस तरीके का. अगर मैं बात करूं कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात हो रही है, तो वीक एसिड है मेरा CH3COOH एंड देन है मेरा NaOH. सो इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट CH3COOH दिस इज वीक, NaOH दिस इज स्ट्रॉन्ग. ठीक है, ये इंडिकेटर यूज्ड वाली चीज को भी आप इग्नोर कर दीजिए, ये बस बता रखा है कि क्या क्या इंडिकेटर यूज करा ताकि हम नेचर तक पहुंच पाए. जस्ट डोंट फोकस ऑन दैट इंडिकेटर, तो यूज एनीथिंग. ओके, सो जो चीज स्ट्रॉन्ग है उस जैसा ही नेचर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा बेसिक सोल्यूशन. और जब मैं बात कर रही हूँ आपके वीक एसिड और वीक बेस की, तो कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अ न्यूट्रल सोल्यूशन, इट कैन बी एन एसिडिक सोल्यूशन, इट कैन बी अ बेसिक सोल्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन दी PKa एंड PKb वैल्यूज. नाउ व्हाट इज द PKa एंड PKb वैल्यूज? एसिडिक कांस्टेंट और बेसिक कांस्टेंट होते हैं, बट इट इज नॉट इन आर 10th क्लास, सो वी डू नॉट हैव टू फोकस ऑन दैट. वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन दी एंड रिजल्ट विच इज न्यूट्रल और एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस. ठीक है, आ गया सबको समझ में क्या कह रही हूं मैं? न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस. चलिए, हो गया.
इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको नोट डाउन करने का मन है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, वैसे तो बेटर आपके लिए नोट डाउन करना ही होगा। सो इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस, जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, क्लियर एनी काइंड ऑफ डाउट्स दैट यू पीपल हैव एंड सब बढ़िया हो जाएगा। ओके चलिए, तो अपनी इस रेलगाड़ी को यहीं पर ही हम रोक देते हैं। ये आज की रेलगाड़ी का आखिरी स्टेशन था, सो दिस क्वेश्चन एक्सप्रेस क्लास एंड्स इधर ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, किसी की भी स्टेटमेंट समझ में नहीं आई है, या मैम इसमें ये ऑप्शन भी हो सकता था, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव दैट प्रॉब्लम कि बी ही क्यों हुआ, ए क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन योर सेल्फ, खुद से पूछो कि मेरा कॉन्सेप्ट तो इस ऑप्शन को फेवर कर रहा है तो ये आंसर क्यों नहीं है करेक्ट। कभी भी आंसर के हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट को मत चेंज करो, कॉन्सेप्ट को बेटा सटीक रखो। ऑप्शन गलत हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो सकता, मतलब ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि किससे बड़ा है किससे नहीं। ठीक है, मेरे अगर गलत होते मैं बता देती हूँ, तो मैं बिल्कुल क्लियर बोल देती हूँ कि यार ये ना शायद मैंने उस दिन गलत बता दिया, इसको नोट डाउन कर लेना, मैं कह देती हूँ ऐसा। ठीक है, सो अपने कभी भी कॉन्सेप्ट को मत चेंज करना टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द आंसर, लेट्स जस्ट डोंट, लेट्स नॉट डू दैट। ओके, एनसीईआरटी में भी बेटा कॉन्सेप्ट कभी भी गलत नहीं होते, आंसर्स बैक जो पीछे आंसर्स होते हैं वो गलत हो सकते हैं, पर जो कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, जो ज्ञान आपको दिया जाता है, वो कभी भी गलत नहीं होता है। ओके चलिए, तो अगर आप सभी को सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, एंड वी नीड आप सभी का सपोर्ट टू मेक दिस सीरीज, दिस एंटायर चैनल अ सक्सेस। सो प्लीज गाइस टू सपोर्ट अस, एंड मचाएंगे फिर मिलके अपने बोर्ड्स के पेपर में, तब बढ़िया बढ़िया नंबर लेकर आएंगे, चिल रहना है, मस्त से पढ़ाई करनी है। ठीक है चल, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, अगेन गुड नाइट, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, डिपेंडिंग आप इसको कब देख रहे हैं। बाय बाय।